हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 19 दिन कंप्लीट करके आज 20वें दिन में एंट्री मान ली है और आज 1000 करोड़ तो इसने कंप्लीट कर ही लिए हैं। अब 1100 करोड़ पूरे करने की तरफ निकल चुकी है रफ्तार में, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंदी में कलेक्शन के मामले में नंबर 1 पर आ चुकी है मूवी। KGF 2 के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था मात्र 17 दिन में ही और बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट डाउन कर दिया मात्र 18 दिन में ही। अब बस पठान और गदर 2 का और बचा है हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन। इसी के साथ पठान का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन भी बचा है और गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को तो ये मूवी पहले ही खदेड़ चुकी है। तो सारे रिकॉर्ड जो बचे कुचे थे वो भी अपने नाम कर लिए और सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े नहीं है, रिकॉर्ड क्रिएट करे हैं, नए नए रिकॉर्ड देखने को मिले हैं। लाइक सिंगल डे में सबसे ज्यादा ह्यूज कलेक्शन आया है 71 करोड़ का हिंदी से। ऐसा कलेक्शन कोई हिंदी मूवी कर ही नहीं पाई। इवन पैन इंडिया की मूवी, इवन बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की मूवी, कोई भी मूवी सिर्फ हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन ला ही नहीं पाई जितना जवान लेके आ सकी है। और गदर 2 का हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन भी अपने नाम कर लेगी। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 19 कैसा रहा मूवी का, और आज डे 20 में कैसी ग्रोथ चल रही है। फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले हफ्ते कितनी कमाई करी, पहले 2 हफ्ते में कितनी कमाई करी है, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी, और अभी तक कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है और कौन सी के रिकॉर्ड तोड़ना अभी बाकी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर आप भी मूवी से रिलेटेड, जवान से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें दीपिका और संजय दत्त का जबरदस्त रोल है और साथ में नयन तारा ने जो सेकेंड लीड में काम किया है जबरदस्त काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर जो आग लगाई है फाड़ू एकदम। और सपोर्टिंग कास्ट में जो 4 चांद लगाया है प्रिया मनी ने, सानिया मल्होत्रा ने, सुनील ग्रोवर ने, भाई अमेजिंग। उसके बाद विलन में जो मैं कहूंगा विजय सेतुपति, सुपर अमेजिंग एकदम। जो ऑड एंड इवन का जो बैलेंस होता है बहुत ही जबरदस्त रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैलेंस जबरदस्त क्या है, क्योंकि पॉजिटिव में अगर SRK को ले लें क्योंकि वो मेन लीड है तो जो हीरो का जो किरदार निभाया उन्होंने तो जबरदस्त निभाया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पार्ट में विजय सेतुपति ने जबरदस्त टक्कर दी है। उसके बाद कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और ये मजेदार भी लगा क्योंकि साउथ की बहुत सी फिल्मों में स्टोरी लाइन पर ध्यान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्शन मास मसाला के साथ स्टोरी लाइन भी जबरदस्त तरीके से इसमें निभाई गई है। तो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे, पहले दिन 130 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था पूरी दुनिया से और पहला हफ्ता कंप्लीट करते करते पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ रुपए कमा चुकी थी और नेट कलेक्शन इंडिया से फर्स्ट वीक में 369 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से मूवी 660 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था पहले हफ्ते में। इसी के साथ सेकेंड वीक की भी शुरुआत जबरदस्त तरीके से करी और 8वें 9वें 10वें दिन में सॉलिड ग्रोथ करते हुए पहले 10 ही दिनों में हिंदी से 396 करोड़, नेट इंडियन कलेक्शन 442 करोड़ और पूरी दुनिया से 812 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था पहले 10 ही दिनों में। इसी के साथ 11वें दिन संडे था, जबरदस्त कमाई करी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी थी और 12वें 13वें दिन की ग्रोथ वर्किंग डे होने के कारण ग्रोथ में डिप देखने को मिला, उतना खास कलेक्शन नहीं आ पाया। वो हर किसी मूवी के साथ होता है, जब भी वर्किंग डेज होते हैं सारी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनकी कमाई डाउन चली जाती है। बात करें 14वें दिन यानी सेकंड वीक कैसे कंप्लीट किया, ऑसम तरीके से कंप्लीट किया, ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिली। हालांकि कहीं कहीं पर एवरेज रही लेकिन जबरदस्त देखने को मिली। पहले 2 हफ्ते में या फिर पहले 14 दिन में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया और पहले 2 हफ्ते में तमिल तेलुगु से 54 करोड़ का कलेक्शन ले आई थी मूवी। पहले 2 हफ्ते में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ हो चुका था मूवी का और पहले 2 हफ्ते में ओवरसीज से सिर्फ 300 करोड़ लेके आ चुकी थी। 300 करोड़ मैं कहूंगा कि बॉलीवुड की जो भी एवरेज से अबव मूवी होती है उनका लाइफ टाइम कलेक्शन होता है ये, लेकिन जवान सिर्फ 2 हफ्ते में सिर्फ 300 करोड़ लेके आई, जबरदस्त कलेक्शन। और पूरी दुनिया से 2 हफ्ता कंप्लीट करते करते मूवी ने 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। इसी के साथ 15वें और 16वें दिन में अगेन वर्किंग डेज होने के कारण ग्रोथ में डिप देखने को मिला, ग्रोथ स्लो रही और उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाई। यहां पर गदर 2 भी चल रही थी साथ साथ में, इसलिए इफेक्ट देखने को मिल रहा था।
जवान की कमाई में। सत्रहवें दिन सैटरडे का फुल फायदा उठाते हुए मूवी ने टोटल नेट कलेक्शन 548 करोड़ कर लिया था और पठान के लाइफ टाइम नेट इंडियन कलेक्शन को बीट डाउन कर दिया था बाइगढ़ जो 543 करोड़ का था। बात करें 18वें दिन कैसी ग्रोथ रही तो सिर्फ हिंदी से 13.90 करोड़ आया और टोटल नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर 14.95 करोड़ आया। ग्रॉस से आया 19 करोड़ का और पूरी दुनिया से 18वें दिन में ये मूवी 28 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया अपने थर्ड संडे में। और जबकि यहां पर विकी कौशल की नई ताजी मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली लगातार टक्कर दे रही थी, लगातार बाउंस बैक कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जवान ने उसको खदेड़ा, ना कि खदेड़ा बल्कि टक्कर भी दिया और क्रॉस भी किया और जबरदस्त कलेक्शन भी लेके आया। क्योंकि ये थर्ड संडे है और थर्ड संडे में 28 करोड़ का कलेक्शन पूरी दुनिया से लाना कोई मामूली बात नहीं है। सिंगल जब विदाउट कॉम्पिटिशन होता है तब भी मूवी थर्ड संडे तक आते आते अपने 18वें दिन में आते आते इतना ह्यूज कलेक्शन नहीं करती है। कोई भी मूवी 16 17 18 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन कंपटीशन गदर 2 का कंपटीशन मिलने के बाद, विकी कौशल की मूवी का कंपटीशन मिलने के बाद भी संडे से 28 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया है। तो मानना पड़ेगा मूवी में दम है इसीलिए कर रही है, स्टोरी लाइन में दम है इसीलिए कर रही है ये सारे कलेक्शन। तो 18वें दिन तक आते आते काफी रिकॉर्ड से अपने नाम कर चुकी थी। इसी के साथ दो रिकॉर्ड अपने नाम किए 18वें दिन में। पहला हिंदी से फास्टेस्ट 500 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया सिर्फ हिंदी से, बाय गॉड अभी तक कोई कर भी नहीं पाया है ये 18 दिन में सिर्फ हिंदी से 500 करोड़ करना मामूली बात नहीं है। जिसने गदर 2, पठान और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया फास्टेस्ट 500 करोड़ के कलेक्शन के मामले में 18 दिन में ही। जो गदर 2 का था 24 दिन का, पठान का था 28 दिन का और बाहुबली 2 का था 30 दिन का, इन्होंने इतने दिन में 500 करोड़ कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ पहले ही 18 दिन में 1004 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था और फास्टेस्ट हिंदी बॉलीवुड की नंबर 1 ग्रॉसर मूवी बन चुकी थी, जिसने 18 ही दिनों में इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, फास्टेस्ट हिंदी ग्रॉसिंग के मामले में, फास्टेस्ट नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, फास्टेस्ट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। ये सारे रिकॉर्ड 18 दिन में ही अपने नाम कर चुकी थी और अभी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड बाकी है किसके, सिर्फ पठान का, और इसको खदेड़ के ये मूवी नंबर 1 हो जाएगी। बस एक रिकॉर्ड और चाहिए इसे, उसके बाद 600 करोड़ ये टच करेगी सिर्फ नेट इंडियन से और ये वाला यहां पर एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ना कि बीट होगा, क्रिएट होगा। और ये रिकॉर्ड को कौन बीट करेगा वो आगे देखा जाएगा। बात करें कल यानी थर्ड मंडे की, यानी 19वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ थी। मंडे वर्किंग डे के कारण ग्रोथ में डिप देखने को मिला, साथ में गदर 2 अभी भी जबरदस्त तरीके से चल रही है और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली भी सोच खाते रह रही है। तो सिर्फ हिंदी से 5 करोड़ की कमाई देखने को मिली और ऑल इंडिया नेट से 5.5 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला। उसके साथ ग्रॉस कलेक्शन लगभग 7 करोड़ का दिखा और पूरी दुनिया से 10 करोड़ कमाते दिखी है कल एंड ऑफ द डे तक। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 17 दिन में 510 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी अपने नाम कर चुकी है और पहले 17 दिन में ही नेट कलेक्शन 568 करोड़ ये अपने खाते में रख चुकी है। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल अपने पहले 19 दिन में 1015 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी है। तो भाई साहब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 8 से 10 ही दिनों में हिंदी से पठान और गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी ये रिकॉर्ड खदेड़ देगी। साथ में सिर्फ नेट कलेक्शन से 600 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी वो अलग, और इस रिकॉर्ड को फिर कौन बीट करेगा वो देखा जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं या टाइगर 3 करेगी, डंकी तो करेगी ही करेगी, और सालार के भी फुल चांसेस हैं कि नेट कलेक्शन, नेट इंडियन कलेक्शन का 600 करोड़ ये बीट डाउन कर जाएंगी। तो साथ में पठान को पूरी दुनिया का कलेक्शन भी ये रिकॉर्ड खदेड़ देगी आने वाले 8 से 10 ही दिनों में और नंबर 1 पर आ जाएगी ये मूवी, नंबर 1 ग्रॉसर पर। आगे बात करें आज यानी 20वें दिन की कैसी ग्रोथ है, यानी थर्ड ट्यूजडे कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी वर्किंग डे है, सिंगल डिजिट कलेक्शन देखने को ही मिलेगा, आज भी उतनी कमाई करते नजर नहीं आएगी, एवरेज ही ग्रोथ रहेगी। यहाँ दोस्तों ओवरऑल 10 से 12% ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह अच्छे सोच अपने खाते में रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही बात कि विकी कौशल की मूवी भी जबरदस्त टक्कर दे रही है और गदर 2 भी अभी काफी सोच खाते जा रही है। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 5 करोड़ तक देखने को मिलेगा, जिसमें से 4.5 करोड़ सिर्फ हिंदी से आना है और पूरी दुनिया से 9 करोड़ की कमाई करते नजर आएगी ये मूवी एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 20 दिन में 515 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम करेगी, जिसके साथ पहले 18 ही दिनों में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 573 करोड़ अपने खाते में रख लेगी और पूरी दुनिया से आज एंड ऑफ द डे तक 1024 करोड़ कंप्लीट कर लेगी। और आने वाले 5 से 10 ही दिन में ये आंकड़ा 1100 करोड़ कब हो जाएगा, कानो कान किसको खबर भी नहीं होगी। अमेजिंग ग्रोथ और कल डे 19 की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है और जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो उस पर एक नई वीडियो बता दी जाएगी, बना दी जाएगी, जिसमें सारा डेटा मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों फैंस लोगों का इंतजार तो खत्म हो गया,
क्यों? क्योंकि वो चाहते थे पहला पड़ाव 1000 करोड़ ये कब कंप्लीट करेगी, 18 दिन में इसने कंप्लीट कर लिए। और अब ये मूवी क्या 1200 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। मैं मान के चल रहा हूँ 1200 करोड़ इस मूवी को लेकर आना है अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 1200 करोड़ ला पाएगी, या अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि 1500 करोड़ ये मूवी टच कर गएगी ही करेगी। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।